तो अचानक 12 बजे प्लान हुआ और हम 12:30 को निकल पड़े फोटो फेयर के लिए। धूप और गर्मी की वजह से स्टेट बस को सक्सेसफुल इग्नोर करते हुए हमने अपने सवारी पे एसी बस को ही चूज किया, लेकिन फूटी किस्मत पे बस के पीछे वाला सीट ही लिखा हुआ था। अब करना क्या था, ठंडी हवा के साथ गड्ढा और स्पीड ब्रेकर पे उछलते हुए फाइनली हम पहुंच गए कोलकाता। तो गाइस फाइनली हम एस्प्लैनेड पहुंच चुके हैं। तो बस में थोड़ा ज़्यादा भीड़ था इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, एक दोस्त के साथ मुलाकात करेंगे और उसके साथ जाएंगे फोटो फेयर पे। यार बस से उतरने के बाद पता चल रहा है यार कितना ज़्यादा गर्मी है। एसी बस था तो पता नहीं चल रहा था। आज का टेम्परेचर शायद 40 डिग्री प्लस है कोलकाता पे, शायद 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे एक दोस्त वेट कर रहा है एस्प्लैनेड के सामने, उसके साथ मुलाकात करेंगे। एक्चुअली मुझे बस इतना पता है नेताजी इंडोर स्टेडियम पे जाना है और फोटो फेयर पे मैं पहले कभी गया नहीं, तो शुभदीप गया है इसलिए मैंने शुभदीप को बोला था। वो बोल रहा है चलो आप आ जाओ, मैं हम दोनों एक साथ में जाएंगे। आज मेरे साथ मानस भी जा रहा है, तो मानस एक बार कैमरा पे हाई बोल दे। हाय गाइस, मानस इंग्लिश बोल रहा है। तो गाइस ये रहा शुभदीप। शुभदीप एक बार कैमरा पे देख के हाई कर दे। यहाँ पे एंट्री के वक्त विजिटर कार्ड बनाना कंपलसरी है और ये बन गया हमारा कार्ड। चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के ब्रांड्स के कैमरास, लेंसेज, लाइटिंग सेटअप्स, फोटोग्राफी रिलेटेड इक्विपमेंट्स और डेमो एल्बम्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन कैमरास के साथ मॉडल्स भी तैयार हैं, आप फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। तो काफ़ी देर घूमने और देखने के बाद हमने भी कुछ कैमरास यूज किया जिनको इससे पहले हमने या तो स्टोर पे या तो वीडियोस पे ही देखा था।
और यहाँ पे कुछ एल्बम कंपनीज भी है, इनमें से कुछ कंपनीज का डेमो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी है, और अभी सैम्पल एल्बम बुक करने पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल रहा है। हाल ही में मेरा भी दो एल्बम प्रिंट होने वाला है, तो अगर यहाँ पे कुछ पसंद आया तो मैं आगे सोचूंगा बुक करने के लिए।